हेलो फ्रेंड्स, पीएस इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक 5-पिन सॉकेट, एक 2-पिन सॉकेट, एक स्विच और एक होल्डर का बोर्ड बनाकर दिखाऊंगा। चलिए टाइम वेस्ट किए बिना बोर्ड में वायरिंग करना शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम स्विच, 2-पिन सॉकेट और 5-पिन सॉकेट में वायर कनेक्ट करेंगे। देखिए, वायर हम ले लिए हैं इस तरह का और इसको इस तरह से छील लेना है। देखिए, मैं वायर को इस तरह से छील के निकाल लिया हूँ। अब हम 5-पिन सॉकेट, 2-पिन सॉकेट और स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में वायर को कनेक्ट कर दिया और इसको अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। देखिए, मैं वायर को 5-पिन सॉकेट का एक टर्मिनल, 2-पिन सॉकेट का एक टर्मिनल और स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में वायर को कनेक्ट कर दिए हैं। अब हम स्विच का एक टर्मिनल और होल्डर के एक टर्मिनल में वायर को कनेक्ट करेंगे। स्विच का एक टर्मिनल और होल्डर के एक टर्मिनल में वायर को कनेक्ट करते हैं। देखिए, मैंने स्विच के एक टर्मिनल में वायर को कनेक्ट कर दिया और दूसरे एंड को हम होल्डर के नीचे वाले टर्मिनल में वायर को कनेक्ट करेंगे। देखिए, मैं स्विच के एक टर्मिनल में वायर को कनेक्ट किया और दूसरे एंड को हम होल्डर के नीचे वाले टर्मिनल में वायर को कनेक्ट कर दिए हैं। 5-पिन सॉकेट का एक टर्मिनल, 2-पिन सॉकेट का एक टर्मिनल और होल्डर के टर्मिनल में वायर को कनेक्ट करेंगे। देखिए, मैं 5-पिन सॉकेट का एक टर्मिनल में वायर को कनेक्ट कर रहा हूँ और दूसरे एंड को हम 2-पिन सॉकेट के ऊपर वाले टर्मिनल में वायर को कनेक्ट किया और इसी तरह 2-पिन सॉकेट का एक टर्मिनल और होल्डर के एक टर्मिनल में वायर को कनेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स, हमारा चैनल पीएस इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, इससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। देखिए, मैं वायर के दूसरे एंड को हम होल्डर के ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया और इसको अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। देखिए, वायर के एक एंड को हम 5-पिन सॉकेट के टर्मिनल में कनेक्ट किया, दूसरे एंड को हम 2-पिन सॉकेट के ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्ट किया और फिर एक वायर लिए थे हम 2-पिन सॉकेट से होल्डर के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब हम इसमें मेन फेज की वायर कनेक्ट करेंगे। देखिए, मेन फेज की वायर है, मेन फेज की वायर हम यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं। चलिए, हम स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से मेन फेज की वायर हम कनेक्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में मैंने वायर कनेक्ट कर दिया जो हमारी मेन फेज की वायर है। अब हम इसमें मेन फेज की न्यूट्रल वायर कनेक्ट करेंगे। देखिए, न्यूट्रल वायर हम 5-पिन सॉकेट के टर्मिनल से लेंगे, जो हमारा 5-पिन सॉकेट का एक टर्मिनल, 2-पिन सॉकेट के एक टर्मिनल और होल्डर के एक टर्मिनल में कनेक्ट है। चलिए, हम 5-पिन सॉकेट के टर्मिनल से हम वायर कनेक्ट करते हैं। ये हमारी मेन फेज की न्यूट्रल वायर है। देखिए, हमारी बोर्ड में कंप्लीट वायरिंग हो गई है। अब मैं बताता हूँ, ये जो वायर है हमारा मेन फेज की वायर है जो 5-पिन सॉकेट, 2-पिन सॉकेट और स्विच के साथ कनेक्ट है और ये हमारी न्यूट्रल वायर है 5-पिन सॉकेट के साथ, 2-पिन सॉकेट के साथ और होल्डर के साथ जो कनेक्ट है। चलिए फ्रेंड्स, बोर्ड को अब सीधा करके हम बॉक्स में फिट करते हैं। इस तरह करके स्क्रू ड्राइवर को लगा देना है और उसके बाद कैंची से इसको गोल कर देना है जिससे हम वायर को निकालेंगे। बोर्ड को
बॉक्स में फिट कर दिए हैं। स्क्रू को टाइट कर लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, मैं बोर्ड को स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू को अच्छी तरह से टाइट कर लिया है। अब हम इसमें पावर देके बोर्ड को चेक करते हैं। मैंने बोर्ड में पावर दे दिया है। अब बल्ब होल्डर में बल्ब लगाकर बोर्ड को चेक करता हूँ। हमारा बल्ब जल रहा है। अब मैं सॉकेट को भी चेक कर रहा हूँ। तो मैंने टू पिन सॉकेट में भी बल्ब को चेक किया, अब फाइव पिन सॉकेट में भी बल्ब को चेक कर रहा हूँ। फ्रेंड्स हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।